नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं अविनाश कुमार जीएसएस टोबासो में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो विषय लेके आए हैं कि हम लोग अपनी कुंडली में व्यवसाय का विचार किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय पर विचार करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करते ही एक नोटिफिकेशंस के बेल की घंटी आएगी, उसे जैसे ही दबाएंगे नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो हमारी आने वाली वीडियो आपके पास समय पर मिल जाया करेगी दोस्तों। साथ में आप हमारे चैनल को, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। उससे क्या होगा कि आपके परिवार, आपके दोस्त के पास ये हमारी वीडियो जाएगी, वो इसे देखेंगे और उससे वो अपना लाभ प्राप्त करेंगे। साथ में हमारे ज्योतिष शास्त्र को भी बढ़ाने फैलाने का काम करेंगे। जो आज के जमाने में हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, जो भारत की देन है, वो उस ऊंचाई, उस मकाम पर नहीं पहुंच सका है, उसे हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपनी कुंडली में व्यवसाय का विचार किस प्रकार करना चाहिए। यह विषय एक अत्यंत ही गंभीर बल्कि कठिन विषय है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे 9 ग्रह होते हैं और रोजगार अनेक। प्राचीन काल में जिस समय हमारे महर्षि गण लोग ज्योतिष शास्त्र पर सविस्तार विचार किए थे, तो संसार में उस समय व्यवसाय की जो प्रणाली थी कुछ और ही थी। परंतु समय के हेर फेर से आज जो परिस्थिति है प्राचीन काल से एकदम डिफरेंट है, अलग है। प्राचीन काल में आपको न्यायालय और आज के न्यायालय में अंदर देखिए, प्राचीन काल में ना तो हाईकोर्ट होते थे, ना जज होते थे, ना सिविल जज, ना एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट, सरकारी वकील, वकील इत्यादि का भी नाम नहीं था। इसी कारण से ज्योतिष शास्त्र में इन रोजगार और अनेकों अनेक व्यवसाय रोजगार के बारे में हमें नहीं मिलता है। चाणक्य परिणित कौटिल्य शास्त्र के अध्ययन से अब हमारे विद्वान ने ये खोज निकाला है कि आज के जमाने के व्यवसाय प्रणाली, शासन प्रणाली और व्यवसाय के कुछ भाग प्राचीन काल में भी विद्यमान थे। हमें प्राचीन काल के आचार्यों को, महर्षियों को धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस प्रकार इतनी अच्छी तरह से ज्योतिष शास्त्र के व्यवसाय का वर्णन संस्कृत भाषा में किया है, जिससे यदि अभी हम लोग गहन अध्ययन करें, यदि हमारे विद्वान लोग उसे अच्छे से गहन करें, अध्ययन करें, तो लगभग अधिकांशतः जो व्यवसाय है, रोजगार है, वो हमें दिख जाएगा ज्योतिष शास्त्र में। साथ में मैं आपको दोस्तों एक चीज और कहना चाहता हूं कि हम लोग जन्म कुंडली में दशम स्थान को ही कर्म स्थान कहते हैं। कर्म का अर्थ होता है क्रिया, कार्य, भाग्य, व्यवसाय इत्यादि इत्यादि। व्यक्ति अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में जब कभी भी उतरता है तो इसी दसवें भाव से, दसवें स्थान से उसके कर्म का विचार हम लोग करते हैं। कर्म मतलब क्या, कि वो किस कर्म से अथवा किस कार्य द्वारा अथवा किस व्यवसाय या उद्योग से सफलता प्राप्त करेगा, ये सारे चीज हम लोग दशम भाव, दशम स्थान से विचार करते हैं। इसकी दूसरी तरह से और मैं कहना चाहता हूं आपको,
किस स्थान से हमें दशम स्थान लेना होगा। जातक शिरोमणि में लिखा हुआ है कि लग्न से शरीर, चंद्रमा से मन और सूर्य से आत्मा प्रतिपादित होता है। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि लग्न स्थान से दशम स्थान व्यक्ति के शारीरिक परिश्रम द्वारा कार्य को बोध कराता है। उसी प्रकार चंद्रमा से दशम स्थान व्यक्ति के मानसिक एटीट्यूड, मानसिक कार्य द्वारा जो भी कार्य किया जाता उसको दिखाता है। साथ में यदि सूर्य से हमारे आत्मा का प्रबलता का ज्ञान होता, अर्थात सूर्य से दशम स्थान व्यक्ति के आत्म प्रबलता द्वारा कार्य संपादित का बोध होता है। इसी सब कारणों से हमारे महर्षि गर्ग, बरामेहर आदि ज्योतिष आचार्यों ने अपना मत बताया कि यदि लग्न और चंद्रमा में जो बलि हो, जो बलवान हो, उसी से दशम स्थान से हम उसके कर्म और मानसिक विचार, मानसिक एटीट्यूड का विचार करते हैं। महर्षि गर्ग ने यहां तक कहा है यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के कर्म स्थान में यदि कोई ग्रह है वो सफलता देता है। साथ में वो यहां तक कह डाले हैं यदि किसी व्यक्ति के कर्म स्थान में यदि कोई ग्रह ना हो या किसी ग्रह से वो दृष्ट ना हो तो ऐसा व्यक्ति अभाग्यता के भवंडर में फंसा रहता है। अतः हम कहना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र का यह एक अत्यंत रहस्य है। यदि आपकी कुंडली के दशम स्थान में यदि ग्रह हो कोई, या लग्न से देखे चंद्र से या सूर्य से, तो वह ग्रह कर्म स्थानस्थ ग्रह उस व्यक्ति के अपने कुल में 29 सील होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 29 पाता है। इससे 29 का प्रमाण हम उस ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि मान लीजिए किसी के लग्न से दशम भाव में कोई ग्रह स्थित है और वो यदि उच्च का है तो व्यक्ति को एकाएक 29 करता है, जो व्यक्ति अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि लग्न से दशम स्थान में कोई नीच ग्रह है तो वैसे व्यक्ति अपने कुल में 29 तो करता है, लेकिन उतना 29 नहीं करता है जितना यदि उच्च के ग्रह हमारे उस दशम भाव में स्थित हो। यदि हमारे दशम भाव में मान लीजिए कि उच्च के ग्रह भी हैं और नीच के ग्रह भी स्थित है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी भिन्नता आती है। व्यक्ति 29 तो करता है लेकिन साथ साथ उसे मान हानि, द्रव की हानि, धन की हानि भी होती है। अब चलिए हम लोग आगे बात कुछ करते हैं। मान लीजिए ये आपको सबसे पहले क्या देखना, लग्न देखना है, चंद्रमा देखना, दोनों में कौन बली है। जो ग्रह बली है, लग्न बली है, तो उससे दशम स्थान में यदि कोई ग्रह है उससे हम लोग अपने कर्म का, अपने व्यवसाय का विचार करते हैं। यदि मान लीजिए कि लग्न से दशम में यदि कोई ग्रह ना हो, फिर चंद्रमा से दशम में भी यदि कोई ग्रह ना हो, तब हम सूर्य से देखते हैं, सूर्य के दशम स्थान को देखते हैं कि सूर्य से दशम स्थान में कौन सा ग्रह है, उस ग्रह से हम लोग अपने व्यवसाय का, अपने कर्म का विचार करते हैं। यदि इसी प्रकार यदि तीनों में से चेक किए अपनी कुंडली में दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है तब हमें देखना है कि लग्न चंद्र सूर्य में कौन बलवान है। जो बलवान है उससे उसकी दशम स्थान को देखिए, दशम स्थान में कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी को अपने नवमांश में देखिए, वो किस नवमांश राशि में स्थित है। जिस नवमांश राशि में स्थित है उस नवमांश राशि का स्वामी कौन है, जो उस नवमांश का स्वामी, उससे हम लोग व्यवसाय कर्म का विचार करते हैं। कभी कभी ये देखा गया है दोस्तों कि
किसी व्यक्ति की जो आजीविका है एक से अधिक व्यापार व्यवसाय रोजगार से चलता है। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों का मत है कि हमें लग्न से चंद्रमा से और सूर्य से दशम को देखना चाहिए, चाहे दशमेश की नवांशमेश पति को देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा कौन सा ग्रह मुख्य आजीविका के लिए है उसे देखना, उसके बाद अन्य ग्रह को देखना कि जो हमारे आजीविका में कारक है। अब मान लीजिए कि आपके लग्न से दशम स्थान सूर्य है या आपके लग्न से दशमेश के नवांशेश पति सूर्य है, तो आपको अपने पिता की संपत्ति से लाभ होगा, पितृकुल द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। वही यदि सूर्य दशम स्थान में या दशमेश के नवांशेश यदि उच्च के हैं तो आपको जो पितृ संपत्ति है बहुत जल्दी मतलब बिना परिश्रम किए ही प्राप्त हो जाएगा, आप अपने पराक्रम से धन। उसी प्रकार यदि चंद्रमा आपके दशमेश के नवांशेश या चंद्रमा दशम स्थान में स्थित है तो माता से आपको धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार यदि मंगल आपके दशमेश के नवांशेश पति हैं या वो दसवें स्थान में बैठे हुए हैं तो आपको शत्रुओं से धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार यदि बुध आपके दशमेश के नवांशेश है तो आपको अपने मित्रों से धन की प्राप्ति होगी। यदि उसी प्रकार बृहस्पति हैं तो आपके अपने भाई चचेरे भाई लोग से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र हैं तो स्त्री से या धनायन स्त्री से आपको धन की प्राप्ति होगी। और यदि शनि है आपके दशमेश है दस कर्मस्थ ग्रह है तो आपको सेवकों से सेवा करने से धन की प्राप्ति होगी। अब चलिए हम कुछ कुछ व्यापार या गुण के बारे में बता देते हैं जल्दी जल्दी कि समय बहुत ज्यादा लग जाता है। यदि सूर्य आपके दशम स्थान में स्थित है या सूर्य दशमेश के नवांशेश पति है तो हमें सुगंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय करना चाहिए, हमें स्वर्ण का सोने का बिजनेस करना चाहिए, सोने की खदान में काम करना चाहिए, फिर हमें ऊनी वस्त्र का क्रय विक्रय करना चाहिए। सूर्य क्या है, राजा है, राज है, तो राजा या राज या सरकार में आप नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरी में यदि हम काम करेंगे व्यवसाय के रोजगार करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति होगी। या सरकार द्वारा कोई कार्य आप स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। यदि चंद्रमा आदि मान लीजिए आपके दशम स्थान में स्थित या चंद्रमा दशमेश के नवांशेश पति हैं तो जल से जो पदार्थ पैदा होती है या जो मिलते हैं जल में उसका व्यापार करना चाहिए, जैसे मूंगा मोती। साथ में आप कृषि खेती बाड़ी का भी काम कर सकते हैं या खेती बाड़ी से रिलेटेड जो वर्क होता है आप उससे काम कीजिएगा, आपको तो सफलता मिलेगी, धन अर्जित होगी। साथ में आप कपड़ों का भी व्यापार आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी प्रकार यदि मंगल है दशम स्थान में स्थित है या दशमेश के नवांशेश है तो मंगल से क्या शत्रु मतलब अस्त्र शस्त्र का बिजनेस आप करेंगे, कल पूर्जे का प्रोडक्शन आप करेंगे। साथ में आप डिफेंस में जा सकते हैं, वहां सरकारी नौकरी आप कीजिए, पुलिस विभाग में आप अपनी सेवा को दीजिए, अपने परिश्रमिक सेवा को दीजिए। फिर आपको लड़ाई झगड़े का भी घर होता है, शनि उसके मंगल उसके कारक होते हैं, तो किसी से छीनना लूटना इत्यादि भी बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, अर्थात उसके कुंडली के दशम स्थान में मंगल होंगे या वो दशमेश के नवांशेश पति होंगे। डाकू रॉबरी इत्यादि ये लोग व्यवसाय करते हैं वो सब मंगल से प्रभावित होते हैं। यदि बुध आपके दशम स्थान में है या दशमेश के नवांशेश पति हैं तो आप लेखन का कार्य कीजिए, आप पोएट कीजिए, आप सिंगर बनिए, आप हमारे जैसे ज्योतिष भी कर सकते हैं, आप पंडित भी बन सकते हैं, उसका व्यवसाय कर सकते हैं, पंडितगिरी भी कर सकते हैं।
आप फिल्मों में राइटर बनिए, आप समाचार मीडिया मतलब मीडिया क्षेत्र में जाइए, आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। उसी प्रकार यदि बृहस्पति मान लीजिए दसम स्थान में है या दशमेश के नवांशेष है, तो इतिहास का पुराण से संबंधित आप कुछ किताब लिख सकते हैं, प्रोफेसर लेक्चरर अध्यापक टीचर गणितज्ञ, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके मान लीजिए कुंडली के दशम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र क्या हमारे भोग विलास के कारण, शुक्र के बारे में क्या बताया गया है कि स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति होगी, धनायन स्त्री, यदि कोई धनी स्त्री है उसके संपर्क में आते हैं, उसके उसके लिए आप काम करते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। फल के विक्रेता बन सकते हैं, फूल के विक्रेता बन सकते हैं, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। कॉस्मेटिक चीज का व्यापार आप कर सकते हैं, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार शनि, शनि क्या है, सेवक, सेवा से अपनी सेवा जिसको देगा वहां धन की प्राप्ति होगी, अर्थात मजदूरी कर सकता है, ये मजदूरों को लीडर बन सकता है। यदि शनि हमारे दशम स्थान में अच्छे ग्रह अच्छी ग्रह की दृष्टि पर रही है और अच्छे शुभ है, तो आपको वकालत वकील जज सिविल जज सरकारी नौकरी में भी आप जा सकते हैं। इस प्रकार हमें अपने कुंडली में देखना चाहिए कि हमें दशम स्थान में कौन से ग्रह है, दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है तो दशम स्थान में कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी हमारे नवांश में किस नवांश राशि में, उस नवांश राशि के स्वामी के द्वारा ही हमको अपने कर्म के अपने काम के व्यवसाय के रोजगार का विचार करना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए किसी कुंडली में शनि दसवें स्थान में बैठा हुआ है, यदि हमारे कुंडली में दरिद्र योग बन रहा है, तो शनि तो आपको धन प्राप्त करवाएगा लेकिन मजदूरी से धन प्राप्त करवाएगा। आप कहीं मजदूरी करेंगे, ठेला चलाएंगे, गाड़ी में बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे, तब जाके आपको धन की प्राप्ति होगी। वही शनि यदि दशम स्थान में है और आपको धन योग भी बन रहा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में, तब आप मजदूरों के लीडर लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं, मतलब अच्छे जॉब आपको मिल सकते हैं। तो हमें इसी प्रकार अपनी कुंडली में देखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या देखना, लग्न को देखना, चंद्रमा को देखना, कौन बलि है, जो बलि उसे दसवें स्थान को देखिए, कौन से ग्रह है, उस ग्रह की अवस्था को देखिए, डिग्री को देखिए, किसके साथ युद्ध है, किसके साथ दृष्ट है देखिए, उसके बाद उसके कार्य को आप बताइए कि ये कार्य कीजिएगा तो आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि कोई दसवें स्थान में कोई ग्रह नहीं है तो उसमें कौन सी राशि है, उसके स्वामी कौन है, उसको नवांश में देखिए, किस नवांश राशि में बैठे हुए, उस नवांश राशि के स्वामी कौन है, उसका स्वभाव, उसका कार्यकत्व इत्यादि का कार्य हमें सजेशन करना चाहिए जातक को कि ये आप काम करें। हमें आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कृपया यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना कदापि इतना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।